आज का होमवर्क हो गया, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। अभी अभी ये भी पता चला कि वैक्सीन यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, govind.gov.in पे। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि 24 घंटे के बाद हम दोनों का टेस्ट करेंगे वैक्सीनेशन लेने के बाद। ये सोच के सोया था कि वैक्सीनेशन हुआ है, कुछ सुपर पावर आ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कोविड का पहला वैक्सीनेशन डोज का एक्सपीरियंस, कि हम जब एप्लीकेशन से बुक करते हैं अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट को, और उसके बाद जब हम उस जगह पे जाते हैं, उस डिस्पेंसरी पे जाते हैं या हॉस्पिटल पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं अपने वैक्सीनेशन का पहला डोज लेने, तो किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ा और वहाँ का क्या रिव्यू है, वो सब आपको बताऊंगा। वो कैसा एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मैं जब तैयार हुआ तो मैंने ये फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहन लिया। मैंने सोचा कि अभी तो इसको फोल्ड कर लेता हूँ और जब हॉस्पिटल जाऊँगा तो फुल स्लीव्स को वापस ऐसे खोल लूँगा। बट जब मैं लंच कर रहा था तो नेहा ने बताया कि फुल स्लीव्स तो पहन लिया है, वहाँ जाके इसको उतार के इंजेक्शन कैसे लोगे। तो सबसे पहला सीख तो यही है कि फुल स्लीव्स अगर आप पहन के जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको वहाँ जाके शर्ट अपना उतारना पड़ेगा, तभी आपको वैक्सीनेशन मिलेगा। तो अब मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और मैं हाफ स्लीव्स वाले टी शर्ट में आ गया हूं। अब डबल मास्क पहनूंगा, पहले जो क्लिनिकल मास्क है वो लगाऊंगा और उसके ऊपर अपना जो मास्क मेरा सिग्नेचर मास्क है वो लगाऊंगा। हमारी डॉक्टर ने हमारे लिए कार्ड बनाए वैक्सीनेशन के लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ। टू कार्ड्स हैं हमारे लिए, तो ये हमारा पहला कार्ड है, इसमें हार्ट्स बने हुए हैं एंड ये बटरफ्लाई है, रिबन। अच्छा चलो इसे ओपन करते हैं। आई लव यू मॉम डैड, बी सेफ, थैंक यू। किसी भी है। और दूसरा कार्ड देखते हैं, मॉम डैड डू नॉट गो आउट। अच्छा ये होम है और हम होम के अंदर हैं, थैंक यू। तो तैयारी पूरी हो चुकी है जाने की, डबल फेस मास्क पहन लिया है हमने, ग्लेयर्स पहन लिया है और हैंड ग्लव्स पहन लिया है और ये शील्ड भी एक रख लिया है, जरूरत पड़ेगी तो ये भी ले लेंगे, और साथ में ये सैनिटाइजर भी ले लिया है हमने। जहाँ पे भी हम बैठेंगे और उस एरिया को सैनिटाइज जरूर कर देंगे। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम यहाँ से शालीमार बाग जाने वाले हैं और दोनों सिपाही रेडी है। ये हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे पार्किंग अरेंजमेंट क्या होंगे, तो सबसे छोटी वाली कार ली है हमने कि इजिली पार्क हो जाए कहीं पे भी। जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था तभी हमने रजिस्टर करा लिया था govind.gov.in में जाकर, लेकिन स्केड्यूल नहीं हो पा रहा था। 5-6 दिन तक हमने ट्राई किया और काफ़ी बार ट्राई कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट हर आधे घंटे में ट्राई कर रहा था काफ़ी बार। तो बट एक दिन रात को 4:15 बजे काफ़ी सारे स्लॉट्स ओपन मिले और जल्दी से मैंने अपना बुकिंग कर लिया, नेहा का बुकिंग कर लिया और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स का भी बुकिंग करवा दिया था। तो जो भी रात को उस टाइम पे उठे हुए थे उन सब की बुकिंग ऑलमोस्ट कल और आज में हो चुकी है। कुछ का कल वैक्सीनेशन हो गया है और कुछ का आज मॉर्निंग में वैक्सीनेशन हो गया, हम अभी जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने। ये याद रखिए कि खाली सड़कें हैं लेकिन 50 के ऊपर स्पीड मत कीजिएगा, चलान वाले सारे कैमरे अभी भी काम कर रहे हैं। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और अब वैक्सीनेशन लेने का समय आ गया है। मेरे साथ ये देखिए अपने चेहरे पे कैसे छुपाई हुई है, ये देखिए। और अभी मैं भी फेस शील्ड पहन लूँगा, मेरी मम्मी ने ये दिया पहनने के लिए तो हम इसे ज़रूर पहनेंगे। ये हमारा फेस शील्ड है, इसका यहाँ पे कुछ तो होता है, इसको निकालना पड़ता है। यहाँ यहाँ कहीं तो है, हाँ यहाँ। अब थोड़ा क्लियरली दिखने लगा है मुझे, तो हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है अंदर में। हम अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए और 5 नंबर ही है ना, इसी में चले जाए, कोई लाइन वाइन भी लगना है यहाँ से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है और बिल्कुल खाली सा है। आई थिंक मुझे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है यहाँ पहुँचे हुए।
सर कहाँ पे वेट करें? अच्छा हाँ दोनों है क्या? S5 दोनों का ही है। कहाँ यहीं पे रुके? हमें बोला गया यहाँ पे 2 मिनट वेट करने के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। हालांकि आगे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो हमने जो स्लॉट लिया था वो 3 बजे से 5 बजे वाला स्लॉट लिया था, और अभी 4:30 हो रहा है और हम यहाँ पे हैं। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं क्या होता है। सफोकेशन हो रहा है। मैं तो फेस शील्ड पहनने के बाद पसीने आ रहे हैं अंदर से। इमेजिन कीजिए कि इससे फेस शील्ड पहनने के बाद ये हाल है हमारा। तो हैट्स ऑफ टू दोज डॉक्टर्स, वो जो फ्रंट लाइन में सारे काम कर रहे हैं पीपीई किट पहनकर, उनको कितनी गर्मी लगती होगी और वो हमारे लिए कितना सारा काम कर रहे हैं। अभी ये भी पता चला कि हम 2 हैं और वैक्सीन यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है। एक वैक्सीन वो और पता करने के लिए गए हैं, शायद यहाँ ख़त्म हो गया वैक्सीन, तो वैक्सीन वापस लाने के लिए गए। तो अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि पहले मैं वैक्सीनेशन लगवाऊँगा या पहले नेहा अपना वैक्सीनेशन करवाएगी। तो नेहा ये कह रही है कि मैं करवा लूँ, और डॉक्टर ये कह रहे हैं दोनों में से जो ज़्यादा यंग है उसको पहले कराना चाहिए, यानी कि नेहा को पहले कराना चाहिए। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि नेहा पहले करा ले, देखते हैं कौन करवाता है। यही बैठू मैम या कहीं? हाँ, ऑब्जर्वेशन में बैठो। कहाँ से जाऊँ? ये ऑब्जर्वेशन बता दो बेटा, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो लोग इंजेक्शन लगवाने आते हैं मैम, तो उनको घर से खा के आना चाहिए या नहीं खा के आना चाहिए? नहीं, खाना खा के आना चाहिए। फुल खाना खा के आना चाहिए, कुछ भी खा लेकिन खा के। और वापस जाने के बाद? वापस जाने खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फीवर चढ़े तो डोलो वगैरह ले लो। फीवर चढ़े तो डोलो वो ले लो। ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटी सी शीशी है ये हम सबकी जान बचाएगी। फाइनली हम दोनों का वैक्सीनेशन हो गया। नेहा अभी ऑब्जर्वेशन रूम में आएगी, मैं ऑब्जर्वेशन रूम में अभी हूँ। जब आप वैक्सीनेशन करा के आते हैं ऑब्जर्वेशन रूम में अपने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फ़ोन नंबर देना पड़ता है, और इस तरीके का फाइल होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ पे देखिए, और नेहा वहाँ वेट कर रही है। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन रूम, हम एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि हम जहाँ पे बैठते हैं उस बेंच को ज़रूर सैनिटाइज कर देते हैं। क्या पेन इंजेक्शन में ना? बचपन से नहीं होता मुझे। तो ये नेहा का वैक्सीनेशन का पॉइंट, इसे होल्ड करके रखना है। मैंने भी अपना होल्ड करके रखा हुआ है, और हमें यहाँ पे 20 मिनट वेट करना है। भाई आप लोगों को पेन वेन हो रहा है? कुछ भी नहीं, सब कुछ फिट। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? गौतम नगर, ग्रीन पार्क। वहाँ पे नहीं मिला था आसपास? स्कूल वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे बैठते हैं, सामने ये ब्लैक बोर्ड है। हाँ, प्रखर, PRAKHR, प्रखर सहाय। बहुत बड़ा चैनल है, अभी तो छोटा ही, आई थिंक 58,000 है। होगा चीखी थी, चिल्लाई थी जब इंजेक्शन लगा तो? कुछ भी नहीं। अरे बाप, रेप गलो, दर्द हो रहा है कुछ? जब लगा था तब हुआ था। ठीक है, ठीक है, हम रुके हैं कोई बात नहीं। भाई सब्सक्राइब भी कर देना यार, देख रहे हो तो। थैंक यू। तो देखिए, मैंने यहाँ बैठे बैठे भी अपने 2-3 सब्सक्राइबर बना लिए। जब आप लास्ट वाले शॉट में आते हो 3 बजे से 5 बजे वाले में, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वैक्सीन है वो खत्म हो जाता है, उनको वापस से लाना पड़ता है। तो
कल भी मेरे फ्रेंड जो 3 से 5 के बीच में आए थे, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। हालांकि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, हमें 2-3 मिनट वेट करना पड़ा और वैक्सीन आ गया था। और नेहा ने बोला कि पहले मैं लगा लूँ, वो सैक्रीफाइस नहीं था, वो डर था तुम्हारा, वो डर था तुम्हारा। कैसा महसूस हो रहा है? नॉर्मल महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी 4:55 हो रहे हैं और हमें यहाँ पे वेट करना है 5:10 तक, हम वेट करते हैं, टाइम पास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया 4:47 पे कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया है। नेहा का ऊपर है और मेरा नीचे है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि पहले मैंने लगाया था, इसके पहले मेरे पास मैसेज आया और उसके बाद नेहा का मैसेज आया और मेरा ही नंबर रजिस्टर था। एक नंबर से आप 4 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें 25 मिनट हो गए और हम दोनों बिल्कुल सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपने कार में जाएंगे और फिर अपने घर की तरफ चलेंगे। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि 3-4 घंटे के बाद हम दोनों का क्या स्टेटस है और 24 घंटे के बाद हम दोनों का क्या स्टेटस है वैक्सीनेशन लेने के बाद। इस क्लास में बैठने के बाद बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि टीचर भी पढ़ाने वाली है। और यहाँ पे तो मैं टीचर हूँ और मेरे सामने देखिए मेरी स्टूडेंट वहाँ पे बैठी हुई है, वो देखिए। आज का होमवर्क हो गया, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। अब 5:10 हो गए हैं तो हमारा चलने का टाइम हो गया है यहाँ से, और आधा घंटा हमने वेट कर लिया, अब हम यहाँ से जाते हैं। तो हाफ एन आवर हो गया हमें, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम वहाँ बता देते हैं एक बार। मैम हमारा हाफ एन आवर हो गया। तो फिलहाल ये वो स्कूल है, सारा जगह आप देखिए, अभी फ़िलहाल हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है हमारे अलावा। बाकी जो वहाँ पे नर्स हैं या डॉक्टर हैं वो सब थे जिन्होंने वैक्सीनेशन हमारा किया। और अब हम यहाँ से घर की तरफ चलने वाले हैं। ये देखिए इस स्कूल में हमारा वैक्सीनेशन हुआ। तो हमने फेस शील्ड जो है वो हटा लिया है और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। हार्डली हमें आधा घंटा तो वेटिंग टाइम था, उसके अलावा सिर्फ शायद 5 या 10 मिनट लगे होंगे जो हमें वेट करना पड़ा वैक्सीन लेने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जो भी अरेंजमेंट इन्होंने किया था बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। जब आप अंदर जाते हैं रूम में तो सबसे पहले जो आपने रजिस्टर किया था cowin.gov.in में, cowin.gov.in में, उससे जो आपको छोटा सा स्लिप मिलता है रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपको वो दिखाना पड़ता है। आप अपना नंबर बताएंगे, वो अपने सिस्टम से आपका नाम वेरीफाई कर लेते हैं। नाम वेरीफाई करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड उनको दिखाना पड़ता है, आप अपने हाथ पे ही पकड़ के उनसे दिखाते हैं और अपना नंबर बता देते हैं, आधार कार्ड का नंबर। फिर वेरीफिकेशन के बाद आपका वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के बाद आप आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करते हैं। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, प्लीज वैक्सीनेशन लगवाना जाए, थैंक यू। हमारा वैक्सीनेशन कुछ 4:40 के अराउंड में हुआ था और अभी शाम के 5:50 हो रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया है और अभी तक कोई भी चीज़ हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ मेजर कुछ दर्द हो या पेन हो या कुछ रिएक्शन कर रहा हो, सब कुछ नॉर्मल है। अब तक 3.5 घंटे हो गए हमें वैक्सीनेशन लिए हुए, ना मुझे या नेहा को किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट जैसा कुछ नहीं लग रहा है, कोई सफोकेशन नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं, कोई ऐसा कोई मेजर कोई पेन भी नहीं है। और हाथ भी मैं आराम से ऊपर नीचे उठा पा रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि शायद उनको पेन होता है इंजेक्शन से, बट अभी तक तो मुझे ऐसा सच कुछ नहीं लग रहा है। 3-4 घंटे और ऑब्जर्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो फाइनली हमें 28 घंटे हो गए वैक्सीनेशन के बाद। कल हमने वैक्सीनेशन लगवाया था शाम को 4:40 के आसपास और आज इस समय रात के 8:30 वैक्सीनेशन का कोई ऐसा सच साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, ना कोई पेन है मेजर ना कुछ। जहाँ पे इंजेक्शन लगा था तो वो हाथ भी मैं आराम से ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। नॉर्मली जो भी लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे, जैसे आप टेटनेस का वैक्सीनेशन लगवाते हैं या कोई भी चीज़ का वैक्सीनेशन या कोई इंजेक्शन, आपको लगता है कि छोटा सा बहुत माइन्यूट सा पेन होता होगा, इससे ज़्यादा कोई भी डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा सच कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं हर डायरेक्शन में हाथ घुमा सकता हूँ ईजिली, कोई भी दर्द नहीं है। स्टूल भी नॉर्मल हुआ था, कोई साइड रिएक्शन नहीं दिखा है अभी तक बॉडी में, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कुछ अलग सा नहीं लग रहा है बॉडी में। जैसा पहले था नॉर्मल वैसे ही सब कुछ नॉर्मल है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आई साइड भी सब कुछ ठीक है, रात को नींद भी सही से आई। रात को जब मैं सोया था तो ये सोच के सोया था कि वैक्सीनेशन हुआ है कुछ सुपर पावर आ जाएंगे, बट सुबह उठकर ऐसा कोई सुपर पावर नहीं आया मेरे अंदर। जो भी नॉर्मल अपने चीज़ें चल रही होगी बॉडी के अंदर वो सब चल रही है, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। आपके घर में जितने भी लोग हैं 18 साल और उसके ऊपर, उन सब की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं।
बहुत इजीली गवर्नमेंट के वेबसाइट में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सिंपली ये करना है कि kovin.gov.in पे रजिस्टर करना है। आप ये वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो आपको ये सारा ऑप्शन दिखेगा इस टाइप का। आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च बाय पिन होता है और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे आप मत जाइए। सबसे पहले आप यहाँ रजिस्टर पे जाइए। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद हमें OTP नंबर डालना है 79661। OTP नंबर डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे आप। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चार लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं एक फ़ोन नंबर से। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर या आधार कार्ड नंबर देना होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई भी बुकिंग नहीं किया है। सर्च बाय पिन में मत जाइएगा। आप ये सोचेंगे कि आपको आपके घर के पास का कोई मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है आज के डेट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन लगवाना। तो आपको सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। यहाँ सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली में जाऊँगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने क्या किया था कि रात को 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक मैंने बड़ा ढूंढा था एक दिन, तो उस दिन लकली मुझे मिल गया था। जैसे देखिए कोवैक्सीन यहाँ पे 3 है, लेकिन ये 45 इयर्स के एज वाले सारे दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 18 साल वाले नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है बुकिंग मिलना 18 प्लस वालों को। आपकी उम्र अगर 45 साल और उसके ऊपर की है तो आप आराम से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर्स दिए हैं। जब आप सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट किया और सर्च किया 18 प्लस में, मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे 18 प्लस वाले जो सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है उसका रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं पे भी इधर वैक्सीनेशन के लिए कुछ स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अब मान लीजिए आप 45 साल वाले में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको स्लॉट्स अवेलेबल मिलेंगे। ये देखिए काफ़ी सारे स्लॉट्स अवेलेबल है। मान लेते हैं कि हम एक डमी स्लॉट में जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको पूछता है कि आप किस टाइम स्लॉट में जाना चाहते हैं, 9 से 11 बजे जाना चाहते हैं या 11 से 1 बजे के बीच में या 1 से 3 बजे के बीच में या 3 से 5 बजे के बीच में। जिस भी जगह आप सेंटर में जा रहे हैं, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका एड्रेस, उसका नाम, वैक्सीन कौन सा लग रहा है उसका नाम, कौन सा डेट है वो, और किस किस आईडी का बुकिंग हो रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड है PLV6N, यहाँ पे आपको ये कोड सिमिलर डालना पड़ेगा। मैं नहीं डालूँ क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग कर चुका हूँ मैं, और कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा तो वो अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। आपको बार बार ये चेक करते रहना पड़ेगा क्योंकि 18-44 वाले जो हैं वहाँ पे थोड़ा वैक्सीनेशन का स्लॉट मिलना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिल्ली से हैं तो आप किसी और स्टेट में जाकर नहीं लगा सकते हैं वैक्सीन। आप कहीं भी पूरे इंडिया में लगवा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप दिल्ली में नहीं हैं, आप कहीं बाहर हैं दिल्ली से, तो आप उस स्टेट में भी जाकर लगवा सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका आधार कार्ड या आपका पैन नंबर किस स्टेट का बना हुआ है। अब मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मुझे हरियाणा में चेक करना है और मैं चाहता हूँ गुड़गांव में चेक करना कि वहाँ पर कुछ अवेलेबल होगा तो मैं लगवाऊँगा, तो मैं ऐसे गुड़गांव सेक्शन हरियाणा पहले सेलेक्ट करूँगा स्टेट, फिर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करूँगा और 18 इयर्स प्लस वाले में चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ये जो आपको लेफ्ट और राइट में एरो दिख रहा है आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अगर कुछ अवेलेबल होगा तो आपको आगे दिखा देगा। तो ये तरीका है, आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने स्लॉट्स को बुक कीजिए। बट मैंने जो बुकिंग कराई थी अपने वैक्सीनेशन के लिए वो सुबह 4 बजे के करीब मुझे मिला था, और वो भी बहुत ढूंढने के बाद। तो चेक करते रहिए, जैसे कोई स्लॉट्स अवेलेबल होता है। आप ये मत सोचिए कि अभी स्लॉट्स अवेलेबल मैं घर में किसी से पूछता हूँ और फिर बुक करूँगा, पूछने पूछने तक ही वो स्लॉट्स कम्प्लीटली बुकड हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी दिखता है ग्रीन में तो उस स्लॉट को आप बुक कर लीजिए। घर में सबसे पूछ के जब तक आप करने जाएंगे तब तक वो स्लॉट्स कोई और बुक कर चुका होगा। तो समझदारी इसी में है कि अगर आपको कहीं पे भी स्लॉट्स अवेलेबल दिख रहे हैं उसको इमीडिएटली बुक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपने वैक्सीनेशन कराया या नहीं कराया, या वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ये तो मैं बोलना ही भूल गया था।